एलियंस ने हमला करके लॉस सैंटोस को बर्बाद कर दिया है और हमें उनको हराना है। एलियंस काफी सारे एयरशिप्स लेके आए, उनके वेपन्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर लोग लॉस सैंटोस छोड़ के भाग चुके हैं और जो लोग बचे हैं उनका एलियंस ने माइंड कंट्रोल कर लिया, यानी कि सबको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ ये जो बड़ा सा एयरशिप है इसके नीचे, क्योंकि ये वाला एयरशिप सबसे पहले आया था, तो हो सकता है यहाँ जाके हमें कोई क्लू मिले कि कैसे हम एलियंस को हरा सकते हैं। बट एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, ये सामने शायद एक एलियन है। हाँ हाँ, बट ये कर क्या रहा है? और नीचे किसी लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, लगता है इसने उसको मार दिया। और ये क्या मूव कर रहा है? रुको, इसको तो मैं बजाता हूँ। मार मार मार। गाइस लगता है ये मर चुका है, बट कोई भी खून नहीं निकला। और ये जो लड़की है ये भी मर चुकी है, तो अब मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ। और ये क्या हुआ? कहीं से गाइस बहुत तगड़ा वाला फायर आया। ये एक एलियन है। रुको बेटे, पीछे से मारते यार तुम। तो मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे तो गाइस पूरी की पूरी इनकी एलियन से गैंग आ रखी है, काफी सारे लोग हैं यार ये, और काफी तगड़ी तरीके से ये लोग मुझे मार रहे हैं। ओके, तो मैंने फायर वर्क लॉन्चर निकाल लिया। और गाइस ये काफी सही, क्योंकि एक बार इनको आग लग जा रही है तो ये लोग आसानी से मर जा रहे हैं। वरना इनको गोली मारो तो वापस जिंदा होके ये लोग मार रहे थे। ओके, तो ये लास्ट एलियन था, इसको भी मैंने मार दिया। और अब मैं जल्दी से निकलता हूँ वो वाले एयरशिप के नीचे जाने के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे सामने मुझे एक काफ़ी बड़ी सी यॉट नज़र आ रही है। यार ये यॉट रोड के बीच में कैसे आई? लगता है यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली फाइट हुई होगी यार। और सामने एक बस भी क्रैश हुई पड़ी हुई है। और मैं यहाँ पे काको पा कर देता हूँ। और गाइस ऊपर वो एयरशिप और यहाँ पे एक एरोप्लेन बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ है। और यहाँ पे एक प्राइवेट जेट है जो कि क्रैश हो रखा है। और यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले हैं यार। और सामने मिलिट्री के काफ़ी बड़े बड़े टैंक्स और ट्रक्स रखे हुए हैं। और गाइस ये लोग मरे हुए हैं क्या यार? ये लोग मूव भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सब क्या है? और ऊपर मुझे एक बंदा है। हाँ गाइस, मुझे लगा था ये एलियन है, बट एक बंदा है यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं उसके पास जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसको कुछ पता हो कि हम लोग एलियन को कैसे बीट कर सकते हैं। और वो रही सीढ़ियाँ, बट मैं सीढ़ियों तक पहुँचूँगा कैसे? तो शायद यहाँ से मैं स्टेयर्स तक पहुँच सकता हूँ। हाँ हाँ, वो रही सामने स्टेयर्स। तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। और मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुका हूँ। और अब ये वाली लेडर्स लेके मुझे ऊपर जाना होगा। तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे आ चुका हूँ। और सामने वही वाला बंदा खड़ा हुआ है जो हमें नीचे से दिख रहा था। और यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों ने टेंट वेंट लगा रखे हैं। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं इससे जाके बात करता हूँ। क्या हो रहा है भाई, ये सब कुछ आइडिया है क्या? तो दोस्तों, इससे मेरी बात हो चुकी है। और इसने ही मुझे बताया कि जब से एलियंस ने यहाँ पे अटैक किया हुआ है, ये लोग तब से यहीं ऊपर फंसे हुए हैं। और इसने मुझे ये बताया कि एक एग है जो कि यहाँ पे आके गिरा हुआ था, उसके चक्कर में ये सारा बवाल हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा वाला एयरशिप था वो सबसे पहले आया था, और वहाँ से एलियंस आते हैं और हम पे अटैक करते हैं। और ये वाला जो एयरशिप है, इस पे एलियंस का बॉस है जिसका वो एग था जो कि लॉस सैंटोस पर गिर गया था। और इसका कहना ये है कि अगर वो वाला एग हम लोग जाके वापस इसके बॉस को दे देंगे तो एलियंस यहाँ से चले जाएंगे। और वो जो अभी एग है वो जॉन कुडो मिलिट्री बेस के पास कहीं पे, और वहाँ पे आर्मी की और एलियंस की बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही है। तो इसने मुझे बैग दिया ताकि मैं वहाँ से वो एग लेकर उस बैग में रखूँ और जाके इनके बॉस को दे दूँ। तो अभी मैं वहीं पर जाने वाला हूँ। और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और अपनी कार के पास जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई एलियन मार रहा है शायद। ये डिफरेंट टाइप का एलियन है। अबे ये डिफरेंट एलियन है, वो अलग थे। और गाइस मैं इसको इतना ज़्यादा शूट कर रहा हूँ, उस पर फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और ये बस कैसे गायब हो रही है? गाइस ये वाले एलियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये लोग बस को भी गायब कर दे रहे हैं। और यार यहाँ से इनसे लड़ने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत तगड़े हैं। मैं इनको इतना शूट कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, तो मैं ऐसे भाग लेता हूँ। और गाइस ये पुलिस वाले आ चुके हैं, हो सकता है ये मेरी हेल्प कर दे। अबे लेकिन ये तो मुझ पर अटैक कर रहे हैं। लगता है एलियंस इनको अपने कब्जे में कर लिया है। और ये लोग भी एलियंस के साथ आ चुके हैं। गाइस ये तो बहुत सारे लोग हैं यार। और ये जो पुलिस वाले हैं और जो मिलिट्री वाले हैं, ये लोग मेरी फायर से मर रहे हैं, जिससे मैं इनको आरपीजी मार रहा हूँ, तो ये लोग मर जा रहे हैं। बट एलियंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। गाइस इन वाले एलियंस की जो गन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो वाइट वाले जो एलियंस थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, और इनसे लड़के कोई फायदा नहीं है। तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ, ये लोग पीछे तो नहीं आ रहे। और मेरी कार यहाँ पे, हाँ ये रही है, ये रही। तो मैं कार में बैठ के जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ, क्योंकि गाइस ये वाले एलियंस तो कसम से मेरी वाट लगा देंगे। और ये लोग यहीं पर रुको, इन पर तो मैं कार चढ़ाता हूँ, कार से तो मरेंगे ही मरेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एलियन को शायद मारा। और ये यहाँ पे एक और एलियन है, और इसकी भी वाट मैंने लगा दी है। और अब मैं जल्दी से जल्दी जानकुडो मिलिट्री बेस पर पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि वहीं पर जाके हमको वो एग मिलने वाला है। और गाइस हम लोग मिलिट्री बेस पर पहुँच चुके हैं। सामने एक यूएफओ जो उड़ रहा है। यार काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई। गाइस समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँगा। और मिलिट्री वाले यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और यूएफओ पर काफ़ी ज़्यादा गोली चला रहे हैं। मैं भी इस पर काफ़ी तगड़े तरीके से आरपीजी मारता हूँ और इसको नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। बट यार ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस पर इतने ज़्यादा गोली चल रही है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं इस टैंक से इसको शूट करता हूँ।
हो सकता है कि इससे कुछ फर्क पड़े। नहीं नहीं गाइस, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और नीचे भी काफी सारे एलियंस है, रुको इनको मार के देखता हूँ मैं, शायद इनको मारूं उसके बाद मैं यूएफओ गिराऊं। गाइस लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ना टाइम वेस्ट करना होगा, मुझे मेन फोकस करना चाहिए यहाँ पे जो यूएफओ उसको गिराने के लिए। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई एयरशिप मिले या फिर कुछ भी हेलीकॉप्टर वगैरह मिले। रुको 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 रुको, ये है, हाँ ये चीज़ सही है, तो मैं इससे जाता हूँ और मैं यूएफओ के ऊपर जाके ब्लास्ट करूँगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई वीक स्पॉट हो जहाँ से हम लोग इस यूएफओ को नीचे गिरा सकें, क्योंकि पक्का यहीं पे कहीं पे आ गया, इतना तो मुझे उस बंदे ने बताया था। और मैं ऑलमोस्ट यूएफओ के ऊपर पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ क्योंकि लैंड करना मुश्किल होगा। आराम से आराम से, थैंक गॉड मैं इसको पकड़ा और थोड़ा सा मेरा खून भी बह गया, बट कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे शायद अगर आरपीजी मारूंगा तो ये डिस्ट्रॉय होगा। एक और गाइस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिकी बम्स लगा देता हूँ, तो उससे ये होगा कि वो एक साथ फूटेंगे तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होगा और उससे ये यूएफओ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे नेट करता हूँ और अब मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना पता चला मैं ही मर जाऊंगा। वो वो आह दोस्तों, मेरे सर पे बहुत जोर की लगी हुई है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, अभी भी गोली चल रही है, लोग मरे नहीं क्या? ओके तो ये लोग मर चुके हैं। और मैं एक मिनी गन निकाले तो वरना पता चला कोई अचानक से मुझ पर शूट करने लग गया। तो अभी मैं इस यूएफओ के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे अंदर जाने का अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ और हो सकता है कि यहाँ से अंदर जाने के लिए कोई मुझे सीक्रेट टाइप का डोर मिल जाए। तो यहाँ पे शायद कुछ एक पैनल टूटा हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ओए ये रहा एग, गाइस यही वो एग लगता है, सारा का सारा बवाल इस एग के चक्कर में हो रहा था और इस एग को मैंने उठा लिया। और अब मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ और गाइस का तगड़ा वाला यहाँ पे तूफान में रखा। और अभी मैं जा रहा हूँ सैंडी सोर्स एयरफील्ड पे, क्योंकि उसने बंदे ने मुझे बताया था कि वो जो बड़ा वाला एयरशिप है वो ये है। और वो एयरशिप ये रहा गाइस, एक सेकंड पहले ये नज़र नहीं आ रहा था और अभी अचानक से ये सामने आ गया। और अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं एलियंस को काफ़ी आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि ये वाला जो एयरशिप है इसी से सारे के सारे एलियंस जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और यहीं से कमांड जाता है। और अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो एलियंस फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे मिलिट्री वाले बंदे खड़े हुए हैं। सर हेलो गाइस, ये लोग लगता है हिप्नोटाइज हो रखे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। ओए ये लोग मुझ पर शूट करने लगे, भाग 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 भाग। गाइस ये क्या हुआ, मैं अपनी कार में बैठ के जल्दी से मैं भाग लेता हूँ। यार ये लोग तो काफ़ी सारे हैं, मेरी कार कहाँ, ये रही कार, जल्दी से बैठता हूँ। ओए ओ भाई ओए मेरी कार को डिस्ट्रॉय कर दिया यार, ये क्या मतलब है? अबे यार इनको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। गाइस ये लोग बहुत खतरनाक है यार, एलियन से लड़ो और साथ में इन लोग से भी लड़ो। और यहाँ पे एक टैंक खड़ा हुआ है, मैं इसमें जाता हूँ वरना तो ये लोग मेरी हालत ही ख़राब कर देंगे यार। ओके अब मैं इनको बताता हूँ, यार इनको मैं मारना तो नहीं चाहता क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, इनको सिर्फ एलियंस ने अपने कब्जे में ले लिया है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे एलियंस आ रखे हुए हैं। गाइस यहाँ पे मेरा टैंक फंस चुका है यार, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। अबे यार ये काफ़ी गड़बड़ हो गई, मैं जल्दी से टैंक से बाहर निकलता हूँ क्योंकि टैंक के साथ साथ मैं पता चला मैं भी मर गया। और ये वाले जो एलियंस हैं मैं इनको जल्दी से उड़ाता हूँ। मेरा मेन फोकस ये अभी है कि मेरी जो बड़ा वाला कमांड शिप है मुझे इसको कुछ भी करके नीचे गिराना है। और गाइस साथ में ये पुलिस वाले हेलीकॉप्टर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको भी मारना पड़ेगा। ओके गया। अब मैं गाइस इनके कमांड शिप पे मारता हूँ और ये जो रेड वाला पार्ट है ये मुझे सबसे ज़्यादा वीक स्पॉट लग रहा है, तो मैं यहीं पर शूट करता हूँ। और हो सकता है कि ये जल्दी से फूट जाए, मर फूट जाए यार। क्या हुआ ओ गाइस ये ब्लास्ट हो गया, ये नीचे आ चुका है और यहाँ पे थोड़े बहुत एलियंस बचे हुए हैं तो मैं इनको मारता हूँ यार। लेकिन इनसे लड़के अपना टाइम वेस्ट करूँगा, मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। और एग जो है वो मेरे बैग में रखा हुआ है। और गाइस ये जो एरोप्लेन है ये भी लगता है एलियंस का ही है, क्योंकि ऐसा एरोप्लेन मैंने कभी पहले देखा नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ पड़ रही यार। ओके तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ से निकल चुका हूँ और ये उनके बॉस का एयरशिप है गाइस, काफ़ी बड़ा काफ़ी खतरनाक सा है और ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है यार। गाइस अगर एलियंस इतने खतरनाक थे सोचो इनका बॉस कितना खतरनाक होगा। और इनका जो बॉस है वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं संभल के जाता हूँ यार कुछ भी गलती ना हो जाए वरना पता चला मुझे मार देंगे। हेलो सर मैं आपका एग लेके आया हूँ, मैं रख दूँ क्या? ओए ये क्या कर रहा है गाइस, ये अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गया, क्या करूँ? सर मैं आपका एग यहाँ पे रख देता हूँ, प्लीज़ कुछ करना मत, मैंने आपका एग रख दिया है। ओके हेलो सर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, प्लीज़ सर डोंट किल मी। ओ भाई ये क्या हुआ गाइस, तूफान आना अचानक से बंद हो गया और अचानक से धूप निकल आई है, मतलब ये जो तूफान था वो इसी ने लाया था। सर मैं जाता हूँ, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ कुछ करना मत। गाइस मैं जल्दी से जंप करता हूँ
और वो जो सामने एयरशिप था इतना बड़ा सा लॉस सैंटोस के ऊपर, वो भी जा चुका है। इसका मतलब गाइस, हम लोगों ने एलियंस को यहाँ से भगा दिया है और लॉस सैंटोस को बचा लिया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।